हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू झा फ्रॉम राइटवे। आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियोस में काफी सारे मैथ्स के क्लासेस ले चुके हैं, बट जो बच्चे सर्च कर रहे होंगे मैथमेटिक्स और फाइनेंस, उनको तो आज मेरी फर्स्ट क्लास लगेगी। तो हर टॉपिक के शुरुआत में हम लोग अपना 2 मिनट का इंट्रोडक्शन देते हैं, तो वो इंट्रोडक्शन है। राइटवे क्लासेस जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इट वॉज स्टार्टेड इन 1997 बाय प्रवीण कुमार झा सर। मेरा एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का हो चुका है एंड आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स हेयर। सो आई एम गोइंग टू टीच यू बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड प्रोग्राम ऑल्सो। ओके, सो द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर्स इज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। अब ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स क्या है, आप इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपके थर्ड ईयर में जाकर के ये FM का पेपर बन जाता है। अगर आगे आपको मौका मिलता है दूसरा पेपर लेने का, तो दिस विल बी पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में देखना, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में सबसे पहले आपको जानना है इंटरेस्ट के बारे में कि क्यों इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। मान लो आपने मेरे से कहा कि मैम आप मुझे 10,000 रुपए दे दो, आपको जरूरत है। मैं आपको हरगिज नहीं दूंगी 10,000 रुपीज। आपको कि मैम आप क्यों नहीं दे रहे, तो मैं कहूंगी भाई उस 10,000 से मेरा कुछ और बिजनेस हो जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, तुम्हें दे करके मुझे क्या फायदा। तब तुमने मुझे एक प्रपोजल दिया कि मैम आपको जितना प्रॉफिट होगा थोड़ा ठीक ठीक लगा लो, मेरे से ही चार्ज कर लो और आप मुझे मनी दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। तो ये जो आपने कहा ना ठीक ठीक लगा लो और मेरे से ही चार्ज कर लो, डेट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो मनी कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता। आज अगर 100 रुपीज है तो उसकी कल 100 रुपीज वैल्यू नहीं होगी, 100 रुपीज से बढ़कर के ही वैल्यू होगी, और वो बढ़ी हुई वैल्यू क्या कहलाती है बताओ, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहां पे पी क्या हो जाता है बताओ, प्रिंसिपल अमाउंट। जितने का हम लोन लेते हैं या किसी से मनी लेते हैं ना, ट्रांजेक्शन होता है, डेट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। आर इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक चीज आपको बता दे कि आज हम लोग MOF अगर शुरू करने जा रहे हैं, डेट इज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, इंटरेस्ट जब भी मेंशन किया हुआ होगा तो वो हमेशा एनुअल मोड पे ही होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस मोड पे होता है बताओ, एनुअल मोड पे होता है। एंड टी इज ऑलवेज नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। और अमाउंट क्या हो जाता है, P+SI। अमाउंट इज फ्यूचर वैल्यू, जहां तक पहुंचेगा हमारा वैल्यू पी, डेट इज कॉल्ड अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आता, बहुत ही ईजी है। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी कर ही रखा होगा सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है तो वो जरा ध्यान दो। आपने पढ़ा होगा A इज इक्वल टू P 1+R^T। जहां पे P क्या होता था बताओ, प्रिंसिपल अमाउंट। R क्या होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और T क्या होता था बताओ, नंबर ऑफ ईयर्स। अब आपको न्यू फॉर्मूला पढ़ना है, नीचे में आ जाएगा M और ऊपर में भी आ जाएगा M। ये हो गया अमाउंट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग डायरेक्टली अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, सॉरी, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे बताओ, पी। अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे, पी। तो ये हो गया अमाउंट का फॉर्मूला। अब सारे टर्म्स को हम अपने पहचान लें, तो पी इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट, ए इज कॉल्ड अमाउंट, पी इज प्रिंसिपल सम ऑफ मनी, ए इज अमाउंट, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमेशा ही एनुअल मोड पे होगा, टी क्या है तो नंबर ऑफ ईयर्स,
एंड व्हाट इज एम? तो एम को कहते हैं हम लोग कंपाउंडिंग फैक्टर. एम को क्या कहते हैं बताओ? कंपाउंडिंग फैक्टर. एम की वैल्यू हो जाती है 2 जब सेमी एनुअली स्कीम चल रहा हो. सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है कि एक साल में 2 बार हमारा कंपाउंडिंग होगा. मान लो हमने 10,000 रुपीज बैंक में डाल दिया और छोड़ दिया, तो जिस दिन 6 महीना कंप्लीट होगा ना उसके डिपोजिशन का, उस दिन वो इंटरेस्ट लगा करके उसमें वैल्यू बढ़ा देंगे. फिर दूसरा 6 महीना जब कंप्लीट होगा तो फिर उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे. तो एक साल में वो लोग कितनी बार इंटरेस्ट लगा रहे हैं बताओ? 2 बार लगा रहे हैं. एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट लगा रहे हैं? 2 बार. इसलिए एम की वैल्यू हो गई कितनी बताओ? 2. सेमी एनुअली के केस में एम की वैल्यू हो जाएगी 4. अगर क्वार्टरली चला तो एम की वैल्यू हो जाएगी 12. अगर मंथली चला तो, अब आप समझ चुके हो, एम की वैल्यू हो जाएगी 1. अगर एनुअली चला तो, अगर डेज के हिसाब से बात करें, डेज के हिसाब से, तो एक साल में कितने डेज होते हैं? एक साल में कितने डेज होते हैं? 365. तो कंपाउंडिंग कितनी बार होगा बताना? 365 टाइम्स. अगर घंटे की बात करें कि अगर कंपाउंडिंग हर एवरी ईयर अगर काउंट किया जा रहा है तो कितनी बार होगा तो बताना जरा? 365 × 24. अगर हर मिनट किया जा रहा है तो 365 × 24 × 60. हर सेकंड किया जा रहा है तो 365 × 24 × 60 × 60. ये सारी बातें आगे समझ में. लेकिन अगर मैंने कहा एवरी मोमेंट, 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 तो इसके लिए एक नया टर्म है कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली. कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली इसको हम लोग कहते हैं एवरी मोमेंट. और आज तक ये बच्चे नहीं पता लगा पाया किसी ने कि एक साल में कितने मोमेंट होते हैं. मोमेंट का मतलब पल, कितने पल होते हैं ये किसी को नहीं पता. यानी कि एम क्या हो जाएगा बताओ? इन्फिनिटी. एम क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी. तो चलो हम लोग डराइव करते हैं फॉर्मूला, क्योंकि ये आता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इस पर स्टार लगा दिया. ए इज इक्वल टू लिमिट एम टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी वन प्लस आर बाई एम टू दी पावर टी इंटू एम. एम टेंडिंग टू इन्फिनिटी. अब आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा तो वो जरा फॉर्मूला याद करा दे. लिमिट एम टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/m^2 ये बन जाता था e. यानी 1 के साथ जो चीज एडेड है अगर उसी का रेसिप्रोकल पावर में है तो वो क्या बन जाता था? e. ध्यान से सुनो, 1 के साथ जो चीज एडेड है उसी का रेसिप्रोकल अगर पावर में है तो पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी बताओ? e. तो यहां पर 1 के साथ एडेड है r बाई एम, तो लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी p 1 के साथ एडेड है r बाई एम, तो होना क्या चाहिए बता? m बाई r भी होना चाहिए. इसी का रेसिप्रोकल मैनेज करेंगे ना पावर में, तो r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड. p बाहर आ गया. लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + r/m^r (t)(r). अब ध्यान से देखो जरा यहाँ पर कि ये वाली चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी. ये हो जाएगा e टू दी पावर t इंटू r. तो यही फॉर्मूला आपको याद रखना, a इज इक्वल टू p e टू दी पावर r t. ये किस केस में? कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली के केस में. कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है. तो चलो अब इन दोनों फॉर्मूले पे थोड़ा सा वर्क करते हैं. तो एक एग्जांपल देखना आप लोग. अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द कंपाउंड अमाउंट, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट
compound amount of rupees 2000 for 4 years at 6% converted. फर्स्ट में जब एनुअली हो रहा हो, दूसरा है सेमी एनुअली, थर्ड इज क्वार्टरली एंड फोर्थ इज मंथली. मंथली ये चार स्कीम में इन्होंने पूछा है, ध्यान दो. तो एनुअली के केस में अगर पहला हम लोग एनुअली करने जा रहे हैं तो हमारे पास डेटा है क्या क्या, तो बताना. पी हमें दे रखा है 2000, 4 ईयर, तो टी कितना दे रखा है बताओ 4, रेट दे रखा है 6%, तो रेट इज 0.06, एनुअली है तो एम इज इक्वल टू 1. तो जब हमें अमाउंट निकालना है P 1 प्लस आर बाई एम टू दी पावर एम इंटू टी, पी की जगह पर डाल देंगे 2000, 1 प्लस 0.06 बाई एम 1 टू दी पावर 1 इंटू 4, सो दिस इज गोइंग टू बी 2000 1.06 टू दी पावर 4. अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये देखो कैलकुलेटर, हमें चाहिए 1.06 टू द पावर 4. एक छोटा सा कैलकुलेशन देखो, 2 इंटू इज इक्वल टू, मैंने दबाया सॉरी, 2 इंटू इज इक्वल टू दबाया तो दिख रहा है 4, दिख रहा है आपको. और स्टेप यहां पर क्या दिख रहा है बताना, 3. आई है स्क्वायर की वैल्यू और दिख रहा है 3, एक बार और मैंने इज इक्वल टू दबा दिया तो आ रही है वैल्यू 8, यहाँ पे दिख रहा है क्या 4, मतलब क्यूब पे 8 दिखता है तो एक ज्यादा दिख रहा है इधर. तो हमेशा जो भी पावर हमारा, जो भी पावर हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होगा उससे एक ज्यादा स्टेप यहाँ पर शो करेगा. और ऑपरेशन क्या है तो फिर से देखो, जैसे हमें चाहिए 1.06 टू द पावर 4, तो 1.06 इंटू इज इक्वल टू, अभी आपके पास ये 3 दिख रहा है लेकिन आई हुई है वैल्यू स्क्वायर की, मैंने एक बार और इज इक्वल टू दबा दिया, एक बार और दबा दिया, सॉरी एक बार और मुझे करना, तो 1.06 इंटू इज इक्वल टू, ये आ रही है स्क्वायर की वैल्यू, एक बार और दबा दिया, ये आ रही है क्यूब की वैल्यू, एक बार और दबा दिया, ये आ रही है पावर 4 की वैल्यू, मतलब दिख रहा है ऊपर में 5 लेकिन ये होगा एक कम पावर यानी पावर 4. अब इसी में ये देखो 2000 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो क्यों इसको हटाएं, इसी में हम लोग 2000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो वी आर गेटिंग 2524.95. तो ये क्या हो गया हमारा बताओ, अमाउंट हो गया. कब? जब हम लोग एनुअली कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल में करेंगे सेमी एनुअली के लिए. आप लोग चाहो तो इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो सेमी एनुअली के लिए. बस एम की जगह क्या कर दोगे, 2 और यहाँ पे 2, यानी यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2. क्वार्टरली के लिए यहाँ 4 और यहाँ 4. मंथली के लिए यहाँ 12 और यहाँ 12. आई बात समझ में? सेकेंड पार्ट में था सेमी एनुअली का केस. तो पी हमारा था 2000, टी था हमारा 4 इयर्स, रेट था हमारा 0.06 कन्वर्टेड सेमी एनुअली. सेमी एनुअली में एम की वैल्यू क्या हो गई बताओ 2. ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी
1 plus r by m to the power m into t. So a will be equal to 2000 1 plus r is 0.06 by m, m is 2 to the power 2 into 4. So this is 2000 1.03 to the power 8. Now see, फिर से हमें चाहिए 1.03 का पावर 8. ये लो मैंने फिर से ऑफ किया 1.03. एक बार टाइप किया into is equal to ये 3 आया. हमें पावर चाहिए कहाँ तक बताओ, 8 तक चाहिए, यानी 9 पे जाके स्टॉप करेंगे जब तक यहाँ पे 9 नहीं दिख जाता. ये जो 3 दिख रहा है यहाँ पर क्या दिखना चाहिए बताओ, 9 दिखना चाहिए. तो अब बेझिझक is equal to दबाते जा रहे हैं 6 7 8 9 दिख गया. ये आई है वैल्यू पावर 8 की. अब इंटू कर देंगे हम लोग 2000, इंटू 2000 क्या आ रहा है बताओ, 2533.540. सो दिस इज 2533.540. सेमी एनुअली हो गया. थर्ड वन इज क्वार्टरली. क्वार्टरली में पी हमें दे रखा है 2000, टी इज इक्वल टू दे रखा है 4, आर दे रखा है 0.06 और एम इज इक्वल टू 4. तो अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा पी 1 प्लस आर बाय एम टू द पावर एम इनटू टी. ए इज इक्वल टू 2000 1 प्लस 0.06 बाय एम की वैल्यू 4 टू द पावर 4 इनटू 4. So this will be 2000.06 divided by 4. I'm getting 0.015, तो 1 में add कर दिया तो 1.015 to the power 16. अब फिर से हमें 1.015 और into is equal to 17 पे जाकर के हमें स्टॉप करना है. ये रहा 17 पे स्टॉप किया, लेकिन वैल्यू किसकी आई हुई है बताना, पावर 16 की. अब उसी में 2000 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है. सो वी आर गेटिंग 2537.97. आई बात समझ में. क्वार्टरली के बाद लास्ट वन इज मंथली. फिर से वही डेटा गिवन है, बस हमें उसमें स्कीम बदल देना है. मंथली मंथली कर दिया तो बताना अमाउंट क्या आ जाएगा. 2000 1 प्लस आर, आर इज 0.06 बाय 12 टू द पावर 12 इनटू 4. सो दिस विल बी 2000.06 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज इक्वल टू 0.005. तो ये आ गया 1.005 टू द पावर 48. चलो निकालते हैं 1.005 इंटू इज इक्वल टू, आगे स्क्वायर की वैल्यू हमें 49 पे स्टॉप करना है क्योंकि पावर कितना चाहिए बताओ, 48 चाहिए. तो अब इज इक्वल टू दबाते रहो जब तक कि 49 नहीं आ जाता. बहुत बोरिंग है ये 45. अब केयरफुली कहीं ज्यादा दब गया तो फिर डिवाइड करना पड़ा, 48 आ गया, 49 पे स्टॉप करना आ गए. अब इसी में हम लोग 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या दिख रहा है, 2540.97. तो 2540.97. तो ये एक हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें अमाउंट निकालना सीखना था, और इसमें स्कीम चारों दे रखे थे हमें, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली एंड मंथली. अब हम लोग बढ़ेंगे अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ. अमाउंट निकालना तो सीख लिया हम लोगों ने.
अब आगे के टॉपिक्स के लिए हमें लॉग और एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी। अब आगे के टॉपिक्स के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बताओ, लॉग और एंटी लॉग की। चलो वो भी निकालना आपको बताते हैं। लॉग एंड एंटी लॉग, लॉग हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं और इसका पूरा नाम होता है लॉगरिथम। लॉग के दो पार्ट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और एक मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक को लिखते हैं एन माइनस वन, वेयर एन इज काउंट ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल। n is count of digits before decimal। mantissa के लिए ignore करेंगे हम लोग ignore decimal and see four figures कहां पर, see four figures in log table, see four figures in log table। decimal को ध्यान नहीं रखना, यानी decimal के पहले अगर कुछ है तो उसको भी ले लेना है, डेसिमल के बाद अगर कुछ लेना पड़े चार डिजिट पूरा करने के लिए तो उसको भी ले लेंगे। आई बात समझ में? चलो कुछ एग्जांपल करते हैं। अगर मैंने आपको कह दिया लॉग ऑफ टू, अब आप तो प्रॉब्लम में फंस गए, और इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, डेसिमल नहीं है तो क्या ये हम नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं। अब मुझे बताओ कि डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, सिंगल डिजिट है, यानी n इज इक्वल टू वन, तो c का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस वन, यानी कि वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। हमेशा कैरेक्टरिस्टिक को डेसिमल के लेफ्ट में लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक आ गई, मेंटिसा किसके लिए हम लोग देखेंगे बताओ, 2000 के लिए। डेसिमल को इग्नोर कर देना, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, डेसिमल को इग्नोर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, 2000। अब आपको अपने लॉग टेबल में देखना है 20 का जीरो और जीरो, लॉग टेबल में देखना है 20 का जीरो और जीरो। आपकी बुक में पीछे लॉग टेबल दे रखा है, जेके ठुकराल की बुक लेनी है आपको। ये रहा आपका लॉग टेबल, हमें 20 का जीरो जीरो देखना है। ये देखो, ये रहा 20 के सामने ये रहा जीरो, मतलब दो डिजिट यहां आपको फर्स्ट कॉलम में दिखेंगे, तीसरा डिजिट यहां से यहां तक और चौथा डिजिट यहां से यहां तक। तो 20 के जीरो में दिख रहा है 3010, इधर कोई भी जीरो नहीं है तो इधर हम कुछ देखेंगे ही नहीं। तो 20 के जीरो जीरो में क्या आ रहा है बताओ, 3010। तो ये हो गया हमारा मेंटिसा, तो हमने लिख दिया 30 and 10। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देखो, लॉग ऑफ 100। डेसिमल के पहले कितने डिजिट है बताना, दो डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, वन, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एन माइनस वन। तो डेसिमल के पहले दो डिजिट है तो यहाँ वन हो जाएगा। और मेंटिसा के लिए हम लोग क्या देखेंगे, 87 का 4 and 2, क्योंकि मेंटिसा के लिए मैंने लिखवाया हुआ है इग्नोर द डेसिमल एंड सी फोर फिगर्स इन लॉग टेबल। तो डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो हमें मिलेगा 87 का 4 and 2। अगर आप अपने बुक में देख रहे हो लॉग टेबल, तो पहले वाले लॉग टेबल में 49 तक की ही वैल्यू रहती है, यानी 87 नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। ये मुझे मिल गया 87, 87 का 4 और 2 देखना है। ये देखो 87 में पहला मिलेगा 0 1 2 3 4, यानी 9159 आ रहा है। 87 का देखना है ना, 87 का 4 यहाँ आ रहा है, 87 0 1 2 3 4, तो 9415 मिल रहा है 87 के 4 में, ये रहा 9415। और 2 इधर से देखेंगे 2 तो
तो इधर है 1 और 2, 9415 और 2 में है 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 9416। आई बात समझ में? ये देखो, ये मिल रहा हमें 9415 और इधर आ रहा है 011, तो 9415 और प्लस 1 क्या आ गया, 9416। सो दिस इज 1.9416। इज इट क्लियर? कभी कभी हमें लॉग ऑफ ई की भी जरूरत पड़ती है, तो ई की वैल्यू आपको याद है ना, ई की वैल्यू 2.7183 लेते हैं, और ई को कहते हैं ओयलर्स नंबर, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ई है उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ओयलर्स नंबर, जिसमें हम ई की वैल्यू क्या लेते हैं, 2.7183। लॉग ई के लिए यहां देखो, डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है तो क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि एन की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया, जीरो। डेसिमल इग्नोर करेंगे तो 27 का 1 और 8, 27 का 1 और 8, तो 27 का 1 और 8 देखना जरा, ये रहा लॉग टेबल, 27 का ये रहा 0 और ये रहा 1, 4330 दिख रहा है, 4330 और 27 का 1 और 8, 8 सेकंड लास्ट कॉलम है वो आ रहा है 13, दिख रहा है ये 13, 13 और 4330 दोनों मिलकर के कितने हो गए, 4343, तो यहां पर लिख दिया 4343। तो मेरे ख्याल से अब आपको लॉग समझ में आ चुका है, अभी भी नहीं आया तो आप वेट करो, क्वेश्चन करते करते जहां हम लोग एक दो क्लास लेंगे आपको लॉग और एंटीलॉग तो लर्न ही हो जाएगा, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी अच्छा, आप लोगों ने स्टैट्स में नहीं पढ़ा, ठीक है, तो 0.4343। एंटीलॉग का रूल 1 है, सी 4 फिगर्स आफ्टर डेसिमल इन एएल टेबल। एंटीलॉग का पहला रूल है कि डेसिमल के बाद का 4 डिजिट हमेशा किस में देखो, एंटीलॉग टेबल में देखो, और दूसरा रूल है कि प्लेस ऑफ डेसिमल इज इक्वल टू वैल्यू बिफोर डेसिमल प्लस 1, वैल्यू बिफोर डेसिमल प्लस 1। तो प्लेस ऑफ डेसिमल डिसाइड करने के लिए वैल्यू बिफोर डेसिमल प्लस क्या करते हैं हम लोग बताओ, 1। तो अब इन दोनों रूल के साथ एक एग्जांपल इसी पेज पे हम लोग करते हैं, फिर बाकी के एग्जांपल्स दूसरे पेज पे करेंगे। अगर एंटीलॉग ऑफ 0.4343 निकाला, जानबूझ करके मैंने ये वाली वैल्यू ली है, क्योंकि 0.4343 का जब एंटीलॉग करोगे तो ई मिलेगा, ई यानी 2.7183, देखते मिलता है यानी। तो मैंने पहला रूल लिखवाया हुआ है कि डेसिमल के बाद का हमें 4 डिजिट लेना है, और कहां देखना है बताओ, एंटीलॉग टेबल में। तो जहां लॉग टेबल है आपके बुक में लास्ट में, वहीं लॉग टेबल के बाद मिलेगा एंटीलॉग टेबल। हमें देखना है 43 का 3, ये रहा 43, उसके 3 में दिख रहा है 2704, 2704, 43 का 4 में दिख रहा है 43 के 4 में हमें देखना है, ये देखो 43 के पहले 4 में देखना है, 43 के सामने ये रहा 0, ये रहा 1234, तो 2716, और लास्ट वाला है 3, तो इधर आ जाएंगे 2716, 0 नहीं 1 2 3 में आ रहा है 2, 2716 और 2 दोनों मिलाकर के कितने हो गए बताओ, 2718। सो दिस टेबल में से देखने पे हमें मिला 2718, एंड व्हाट इज द वैल्यू बिफोर डेसिमल, दैट इज 0। तो प्लेस ऑफ डेसिमल क्या आ गया बताओ, वैल्यू बिफोर डेसिमल प्लस 1, यानी 0 प्लस 1 1,
तो आफ्टर वन प्लेस वी विल पुट द डेसिमल एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू. आई बात समझ में? अब हम लोग एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं एंटीलॉग पे. अगर एंटीलॉग आ गया 2.4325 सपोज करो, तो 43 2 एंड 5, तो इधर देखो एंटीलॉग में देखेंगे हम लोग 43 का 2. एंटीलॉग की टेबल मेरे सामने खुली हुई है, मुझे नीचे आना पड़ेगा. 43 का मेरा 43 का है 0 1 एंड 2 2704. 43 का 2 और फिर 5. 43 का हो गया 0 1 2 और इधर आ गया 1 2 3 4 5 3. तो 2642 और 3 मिल करके कितने हो गए 2645. 2645. And what is the value before decimal? Two, six, four, five. And what is the value before decimal? That is 2. So place of decimal के लिए हम लोग करेंगे 2 + 1, that is 3. यानी 1, 2, 3. After 3 place we have to put the decimal. तो antilog of 2.4325 की value कितनी आ गई बताओ? 264.5. 264.5. तो आई होप कि आपको लॉग और एंटीलॉग समझ में आ गया होगा. लॉग और एंटीलॉग समझ में आ गया होगा. तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखो. इफ रुपीज 2000 इज डिपॉजिटेड इन अ सेविंग अकाउंट दैट अर्न्स इंटरेस्ट एट एन एनुअल रेट ऑफ 6%. तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक में लिखो पी इज इक्वल टू 2000. प्रिंसिपल कितना है हमारा बताओ 2000. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताओ 6% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली. यानी सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा. वॉट इज द वैल्यू ऑफ द अकाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स. यानी टाइम कितना हो गया 3. तो आपने नोट डाउन कर लिया P की वैल्यू, R की वैल्यू, M लिख लोगे इन्फिनिटी क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली का केस है, और T की वैल्यू लिखोगे 3. आप यहाँ पे पॉज करके खुद से भी अटेम्प्ट ले सकते हो. मेरा ही सॉल्यूशन क्यों देखोगे, कोई कहानी तो हो नहीं रही है. और जब फिर बाद में आप मैच करो कि आप कितना समझ पाए हो. तो ये देखो क्वेश्चन में P है हमारा 2000 और R है 6% यानी कि 0.06 कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली. तो M इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड टाइम T इज इक्वल टू 3 ईयर्स. A का फॉर्मूला क्या बनता है बताओ? P e टू द पावर आर टी ना, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली में P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू P e टू द पावर आर टी. तो ए की वैल्यू हो जाएगी पी हम लोग डाल देंगे 2000 ई टू द पावर आर टी यानी कि 0.06 इंटू टी कितना हो गया बताओ 3. तो ए हो गया हमारा 2000 ई टू द पावर 0.18. अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें ई टू द पावर 0.18 की वैल्यू देखने तो आती ही नहीं है. तब आप लेट कर लो y इज इक्वल टू ई टू द पावर 0.18. दोनों साइड जब लॉग लेंगे तो लॉग y इज इक्वल टू 0.18 साइड में चलाया एंड दिस वन इज लॉग e.
अभी तो थोड़ी देर पहले निकाला था log e की वैल्यू 0.4343, याद है? नहीं याद है तो आप पीछे पेज डाउन करके देख सकते हो, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.18 into 0.4343 is equal to 0.078174. तो y के लिए फिर हमें क्या लेना पड़ेगा बताओ, एंटी लॉग ऑफ 0.078174. तो एंटी लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी हमें, एंटीलॉग टेबल में हम लोग देखेंगे 07 का 8 एंड 1, डेसिमल के बाद जो भी चीज रहता है चार डिजिट वही देखते हैं, तो 07 का 8 और 1, तो चलो देखते हैं 07 के 8 और 1 में, ये देखो ये रहा 07, इसके 8 में जाओगे तो आपको दिख रहा है लास्ट वैल्यू इज फॉर 9, 8 में आ रहा है 1197, और 07 का 8 और चाहिए हमें 1 चाहिए, ठीक है 07 के 8 की वैल्यू ये रही और 1 ये रहा 0, 1197 क्या आ गया बताओ, 1197, एंड व्हाट इज द वैल्यू बिफोर डेसिमल, दैट इज 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो आफ्टर 1 प्लेस वी हैव टू पुट द डेसिमल, so here 2000 into 1.197, तो बस अब किस बात की देरी है, उठाओ कैलकुलेटर, 1.197 into 2000 मिल रहा हमें 2394, दिस इज योर अमाउंट, आई बात समझ में, तो लॉग और एंटी लॉग का एक अभी हमने जस्ट छोटा सा यूज देखा ई टू द पावर समथिंग की वैल्यू निकालने के लिए, ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे हमें टाइम निकालना हो, हमें रेट निकालना हो, या फिर कंपाउंडिंग एट द चेंजिंग रेट्स निकालना हो, तो अभी ये टॉपिक नहीं खत्म हुआ है, अगर आप अपनी बुक परचेज करते हो तो उस बुक में आपको मिलेगा ये 12.2 एक्सरसाइज, तो आप एक्सरसाइज 12.2 का होमवर्क में कर सकते हो, 12.1 था सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो कि हमारे कोर्स में उतना जरूरी नहीं है, तो ये तो आपको करना ही करना है, और फिर इसके आगे टाइम निकालना, रेट निकालना, फिर चेंजिंग रेट्स का क्वेश्चन, ये सब हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी तक के लिए इतना ही, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप माई वीडियो, आपको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके बैठना है हाउ टू सी लॉग एंड एंटी लॉग फॉर्मूला, और ये ई टू द पावर 0.18 की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, ये सब रिवाइज करके बैठना है, क्योंकि हर नए टॉपिक का जब फर्स्ट क्लास होता है ना वो थोड़ा ज्यादा मेहनत से पढ़ना पड़ता है, एक दो तीन क्लास में बच्चे एडजस्ट कर जाते हैं, फिर सब कुछ उन्हें याद हो जाता है, आगे के टॉपिक्स आसान लगने लगते हैं, तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इन सब के क्वेश्चंस के साथ, जहां टाइम निकालने को पूछेगा, रेट निकालने को पूछेगा, चेंजिंग रेट के क्वेश्चंस होंगे, till then take care and I'm stopping my video.